हेलो फ्रेंड, आज हम ओल्ड एंड क्लासिक सीरीज में आज रिव्यू करेंगे हम सफर मूवी का बाय भुवन बाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैं शुभम, आज मैंने सफर म्यूजिक देखा तो मैंने सोचा कि ओल्ड एंड क्लासिक में इसको डाला जाए, क्योंकि ये उस कैपेबल होती है ओल्ड एंड क्लासिक और बैक टू बैक 28 डेज फरवरी में जो ये वीडियोस भी आनी चाहिए। और मैंने इसमें सोचा कि क्यों ना आज इसकी रिव्यू किया जाए। मैंने पूरी म्यूजिक सुनी और म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। एक इमोशनल म्यूजिक था, एक इमोशन से भरा था, और एक आपको सबसे बड़ा बात है अंदर से बहुत मोटिवेशनल म्यूजिक था जो आपको दिल दहला देगा। मतलब इस तरीके का एक स्टोरी लाइन दिखाया जाता है, एक सफ़र दिखाया जाता है कि ज़िंदगी की यही सफ़र है, एक ऊंचाव है, एक नीचाव है, और जब वो सफ़र आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको गॉड बुला लेंगे उत्तर। बेसिकली इसमें यही दिखाया गया। तो स्टोरी लाइन जो वीडियोस की बेसिकली स्टोरी लाइन थी कि भुवन बाम को किसी का छोड़ा हुआ अवार्ड मिलता है तो उनको वो चीज़ भाती नहीं है, और बेसिकली उसको ढूंढने के लिए उस और अलग तरह की खुशी को ढूंढने के लिए, जो किक एक अलग तरह की हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए वो सफ़र पे निकल जाते हैं, और उनको वहाँ सफ़र जाके ख़त्म होता है जहाँ पे उनकी वो खुशी मिलती है, जब उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। उसी तरह से सफ़र म्यूज़िक में दिखाया गया, जबकि म्यूज़िक उसकी बहुत बेहतरीन थी। आप एक मतलब अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं या थोड़ा अपने ज़िंदगी से मतलब प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये सब म्यूज़िक आप सुन के खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जिस तरह से भुवन बाम ने इस म्यूज़िक को लिखा और जिस तरह की इसमें म्यूज़िक दी गई, आप इसको जाकर सुन सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। प्लस इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं जो एक सफ़र में होनी चाहिए थी। आखिर इसके ट्यून्स बहुत सारे यूट्यूबर अपने मतलब एक डॉक्यूमेंट्री या ब्लॉगिंग टाइप का जब करते हैं तो इनकी म्यूज़िक उठाते हैं, क्योंकि एक तरह का वो सेट म्यूज़िक बैठता है। तो बेसिकली जो कंटेंट दिखाया गया ना सफ़र में वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था भुवन बाम की तरफ से। और जबकि जहाँ तक डायरेक्शन की बात की जाए तो वीडियोज में उतनी अच्छी डायरेक्शन थी, बाय डिफॉल्ट सो कॉल्ड डायरेक्शन अच्छी थी, लेकिन हाँ हमको म्यूज़िक इससे ज़्यादा इफेक्टिव लगा। जो मैं आपको बेसिकली इसकी रिव्यू ले आ गया बैक टू बैक 28 डेज फरवरी में, ये आज ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्जॉय करेगा। तो आप इस वीडियो से कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं इसके एक और पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ बात करना चाहता हूँ कि जब उसको वो चीज़ गिफ्ट मिलता है तो एक अपने आप को अचीवमेंट के तौर पर एक अपने आप को एक बड़ा स्टेज में देखता है, जहाँ पे मतलब वो बेसिकली पहाड़ों के बीच में किसी कोई इनका वेट कर रहा था, भुवन बाम का बेसिकली कोई वेट कर रहा था उन्हें एक प्रेजेंट देने के लिए। जो उन्हें प्रेजेंट एक बड़े मंच में ना मिला, वो उन्हें प्रेजेंट एक छोटे से कस्बे और गाँव में मिला, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तो एक बना बनाया गिफ्ट और एक जो बना के गिफ्ट, तो बहुत अंतर होता है एक हैंडमेड और मैनमेड में। यही फ़र्क होता है कि वो दिल से बनाया हुआ गिफ्ट था, वो दिल से पुकारा जा रहा था। और एक जगह जयदीप को देते देते भुवन बाम को दिया गया, क्योंकि वो था नहीं तो बेसिकली उसको दे दो, भला टालू एक टीआरपी बनाओ, लौड़ा लहसुन करो, लेकिन दे दो। लेकिन उसमें जहाँ पे उस सिनेरियो में दिखाया गया, उसमें बहुत अच्छा तरीके से एक पैटर्न बना बना के म्यूज़िक का, बेसिकली म्यूज़िक का थीम यही था भुवन बाम का कि अपने लाइफ के सफ़र को दिखाना था कि कैसे आदमी सफ़र करता है, और फिर इस सफ़र पे चल के ही उन्हें उनकी जय जयकार होती है। मतलब कांटे से बड़े रास्ते को ही पार करते ही आपको फूलों की नगरी मिलती है। तो बेसिकली यही एक म्यूज़िक में प्लॉट दिखाया गया, जो मैं आपको डिटेल में आपको समझा दिया। तो आपको म्यूज़िक कैसा लगा आप कमेंट करो, जब बताएं वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और वो लाल वाला बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएँ। बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेट मिलता है। और मैं अभी तक तो 28 डेज में आपको अच्छी अच्छी म्यूज़िक रिव्यू प्लस वेब सीरीज और मूवी रिव्यू लाऊंगा, और आगे भी आने वाली मूवी रिव्यू भी इसमें आएगी, तो बहुत आपको मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद मूवी रिव्यू। बस वीडियो में देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ढेर से कॉन्टेंट के लिए मूवी रिव्यू चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।